हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? फ्रेंड्स, आज मैं आपको माउथ ऑर्गन जो सीरीज़ मैंने शुरू किया है, न्यू सीरीज़, उसका मैं आज आपको सेकंड लेसन देने जा रहा हूँ। फर्स्ट लेसन मैंने कल आपको दे दिया था, मुझे उम्मीद है आपने उसे देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले फर्स्ट लेसन को देख लीजिएगा जो मैंने कल अपलोड किया था। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप उस लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। फर्स्ट लेसन देखने के बाद ही आप इस लेसन को देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगी, आप समझ पाएंगे अच्छी तरह से। तो कल के लेसन में जैसे मैंने आपको बताया था, तीन तरह के माउथ ऑर्गन होते हैं। एक ये मैंने बताया था, ये स्लाइडर वाला क्रोमेटिक हार्मोनिका, ये टावर का हार्मोनिका है। और ये मैंने आपको बताया था, ये डायटोनिक हार्मोनिका है, ये देखिए 10 होल्स का। और ये मैंने बताया था, ये ट्रेमोलो माउथ ऑर्गन, ये देखिए 24 होल्स का ट्रेमोलो माउथ ऑर्गन। ये तीन तरह का माउथ ऑर्गन मैंने आपको दिखाया था और मैंने इसके बारे में बताया भी था। और मैंने कहा था कि अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप ये टावर का, ये जो क्रोमेटिक हार्मोनिका है 24 होल्स का, ये आप खरीद लें, क्योंकि इसमें तीनों ऑक्टेव्स होते हैं, एक कंप्लीट हार्मोनिका है, स्लाइडर भी है, किसी भी तरह का गाना आप इसमें बजा सकते हैं। और ये ट्रेमोलो हार्मोनिका जिनके पास है, इससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी ये 24 होल्स का हार्मोनिका है, तीन ऑक्टेव्स हैं, कंप्लीट ऑक्टेव, इसमें भी आप बहुत सारे गाने बजा सकते हैं। लेकिन सब गाने नहीं बजा सकते, क्योंकि जैसे मैंने बताया था, इसमें ये स्लाइडर, इसमें देखिए स्लाइडर है, इसमें ये स्लाइडर नहीं है, जिसमें आपको क्रोमेटिक नोट्स यानी कि तीव्र और जो फ्लैट नोट्स होते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, इसीलिए वो सब गाने आप नहीं बजा पाएंगे इसमें, जिसमें तीव्र और फ्लैट नोट्स होते हैं, ठीक है। तो लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आप इस हारमोनिका को भी अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो लेसन मैं दूंगा वो इस पर भी एप्लीकेबल होगा, इस पर भी आप काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आप एकदम अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं, सब गाने सीखना चाहते हैं, तो आपको ये क्रोमेटिक हारमोनिका लेना पड़ेगा जिसमें स्लाइडर लगा होता है, ठीक है। और जिनके पास ये 10 होल्स का हारमोनिका है, इसमें भी सीखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें हिंदी सॉन्ग्स, बॉलीवुड के सॉन्ग्स बजाना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें तीनों ऑक्टेव फुल ऑक्टेव नहीं है, एक कंप्लीट ऑक्टेव है, बाकी और कंप्लीट 2 ऑक्टेव भी इसमें नहीं होते, इसलिए इसमें गाना बजाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। लेकिन सीखने के लिए मैं आपको बता दूंगा मिडिल ऑक्टेव में कैसे आपको सरगम बजाना है, थोड़ा बहुत आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे गाने आप इसमें नहीं बजा पाएंगे। तो आज के इस लेसन में फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको कल जो बताया था थोड़ा सा ब्रीफली मैंने बता दिया, और आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, क्योंकि माउथ ऑर्गन शुरू करने के पहले ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप माउथ ऑर्गन को कैसे पकड़ें। अगर आप सही से माउथ ऑर्गन पकड़ेंगे तो बाद में आपको माउथ ऑर्गन बजाना बहुत ही सरल होगा, बहुत ही ईजी होगा, बहुत ही कंफर्टेबल होगा, और आप परफेक्टली बजा सकेंगे, अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। और शुरुआत में अगर आपने डिफेक्टिव वे में माउथ ऑर्गन पकड़ लिया तो आपका हैबिट बन जाएगा, और उसी गलत हैबिट को लेकर आप आगे बढ़ेंगे तो बाद में आपको दिक्कतें होगी। वैसे माउथ ऑर्गन जैसे भी आप पकड़ें, आप फू मारेंगे, खींचेंगे तो आवाज़ निकलेगी, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप अच्छे ढंग से इसे पकड़ेंगे तो इसमें कुछ आप स्पेशल इफेक्ट दे सकते हैं, बाद में जब आप गाना बजाने लगेंगे तो वो सब इफेक्ट भी आप दे सकेंगे, अगर आप ठीक तरह से पकड़ना जान जाए। तो आज मैं आपको एकदम सही तरह से माउथ ऑर्गन कैसे पकड़ा जाता है वो आपको सिखा दे रहा हूँ। आप इसी तरह से माउथ ऑर्गन पकड़िएगा, इसी तरह से प्रैक्टिस करिएगा, तो बाद में आपको बहुत ही कंफर्टेबल होगी। बस एक बात मैं आपको और बता दूँ, जो कि मैं फर्स्ट लेसन में मुझे बताना चाहिए था, मैं आपको बताना भूल गया था। ये जो ट्रेमोलो माउथ ऑर्गन होते हैं फ्रेंड्स, ये जो मेरे पास है, इसमें 24 होल्स हैं, और इसमें क्या है, जो ऑड होल्स होते हैं, ऑड होल्स यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब ऑड होल्स हैं जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। उसमें आप अगर फूकेंगे तभी आवाज़ निकलेगी, उसमें अगर आप खींचेंगे तो आवाज़ नहीं निकलती है। और जो इवन नंबर होल्स होते हैं, जैसे 2 हुआ 4, 6, 8, 10, ठीक है, जो कि 2 से डिवाइडेड होते हैं, वो होल्स में अगर आप खींचेंगे तभी आवाज़ निकलेगी, फूकने पे आवाज़ नहीं निकलेगी। वो इसमें भी एप्लीकेबल है, और ये टावर का जो हारमोनिका है 24 का, इसमें भी एप्लीकेबल है। इसमें भी अगर आप ऑड होल्स में फूकेंगे तभी आवाज़ निकलेगी, इवन होल्स में अगर आप खींचेंगे तभी आवाज़ निकलेगी, अगर आपने ऑड होल्स में अगर आपने खींचा तो आवाज़ नहीं निकलेगी, या फिर इवन होल्स में अगर आपने फूका तो आवाज़ नहीं निकलेगी। जैसे देखिए, एक नंबर होल है, मैं फूकूंगा तभी आवाज निकलेगी, देखिए एक नंबर होल है, अगर मैं खींचूंगा तो आवाज नहीं निकलेगी। 2 नंबर जो होल है, देखिए मैं खींचूंगा तभी आवाज निकलेगी, फूकने पे आवाज नहीं निकलेगी, देखिए मैं फूकता हूं आवाज नहीं निकलेगी, खींचूंगा तो आवाज निकलेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब, ये ट्रेमोलो में और ये 24 होल्स का जो टावर हार्मोनिका है,
होल्स हैं, 24 होल्स में अगर आप फूकेंगे तो आवाज़ नहीं निकलेगी, सिर्फ ऑड नंबर होल्स में फूकेंगे तभी आवाज़ निकलेगी, और इवन नंबर होल्स में अगर आप खींचेंगे तभी आवाज़ निकलेगी। लेकिन ये जो हारमोनिका है, डायटोनिक जो हारमोनिका है, ये 10 होल्स का हारमोनिका, इसमें हर एक होल्स में फूकने पर भी आवाज़ निकलेगी, खींचने पर भी आवाज़ निकलेगी। जैसे देखिए पहला होल है, देखिए मैं फूकूंगा आवाज़ निकलेगी, खींचूंगा आवाज़ निकलेगी, फूका खींचा दोनों में आवाज़ निकलेगी। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है ये डायटोनिक हारमोनिका में और ये जो टावर का या फिर ये जो ट्रेमोलो या फिर ये जो टावर का हारमोनिका है। ठीक है, ये मैं आपको फर्स्ट लेसन में बताना भूल गया था तो आज मैंने बता दिया। अब आता हूँ पकड़ने का, माउथ ऑर्गन आपको कैसे पकड़ना है। पकड़ने का पहले मैं बता दूँ जेली माउथ ऑर्गन में देखिए एक यहाँ पे लिखा है सी, तो जनरली माउथ ऑर्गन पे लिखा रहता है, इस तरह का लिखा रहता है। ठीक है, तो सी मतलब ये सी स्केल का माउथ ऑर्गन है। तो कभी भी आप माउथ ऑर्गन खरीदने जाएं तो आप सी स्केल का ही माउथ ऑर्गन खरीदें, क्योंकि सी स्केल बहुत ही बेसिक स्केल होता है और सीखने के लिए सी स्केल बहुत ही अच्छा स्केल है। ये बहुत ज़्यादा हाई भी स्केल नहीं है, बहुत ज़्यादा लो नहीं है, मीडियम रेंज का स्केल है, इसलिए इस पर सीखा जाता है। तो आप सी स्केल का ही माउथ ऑर्गन खरीदें सीखने के लिए। तो यहाँ पे जहाँ पे सी लिखा होता है उसे हमेशा आप अपने बाएं साइड रखें। जैसे देखिए सी रखा है तो ये मेरे बाएं साइड में हमेशा रहेगा। या फिर और एक मेथड है, आप फू मार के देख लें, फू मारिए, आप फूकिए, मोटी आवाज निकल रही है, और फिर आप दूसरे कोने में जाइए, बहुत ही श्रील आवाज, पतली आवाज निकल रही है, तो जो पतली आवाज निकलती है उसे आपको राइट साइड रखना है, और जिसमें मोटी आवाज निकलती है उसे आपको बाएं साइड रखना है। ठीक है, तो मोटी आवाज पतली आवाज, तो मोटी आवाज बाएं साइड होगा। तो ये आपको इस तरह से माउथ ऑर्गन है। अब पकड़ना कैसे, ये देखिए आपको इस तरह से पहले आप हाथ बनाइए अपना, ये देखिए इस तरह से, ये थंब आपका नीचे, यहाँ पे ऐसे इस तरह गैप रहेगा, और बाकी ये पांच जो फिंगर्स हैं इस तरह से एकदम लेवल पे रहेंगे। ठीक है, ये मैं आपको इस साइड से भी दिखाता हूँ इससे। ठीक है, ये आपने इस तरह का शेप बना लिया। अब आप माउथ ऑर्गन के यहाँ ऐसे, ठीक है, यहाँ पे बहुत लोग इस तरह से पकड़ लेते हैं, एकदम कोने में इस तरह से पकड़ते हैं, ये आपको ऐसे नहीं पकड़ना है। आपको माउथ ऑर्गन के 30% हिस्सा, समझ लीजिए 30% हिस्सा, यानी कि आप इस तरह से भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 5, जहाँ पे 7 नंबर का होल है वहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं, पीछे का आप हिसाब लगा लीजिए, यहाँ पे 7 नंबर होल आ रहा है, तो इस यहाँ पे रख लीजिए। ठीक है, इस तरह से ऊपर का ये देखिए, ये मेरा जो फिंगर्स है ये ऊपर में इस तरह से है, नीचे का थंब देखिए किस तरह से, इस तरह से, ये ठीक है, मैं आपको अच्छी तरह से दिखाता हूँ, आप अच्छी तरह देख लीजिए। ये पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पकड़ना अगर आपका डिफेक्टिव हो गया तो बाद में आप माउथ ऑर्गन अच्छी तरह से नहीं बजा पाएंगे और आप इफेक्ट्स नहीं दे पाएंगे, जो इफेक्ट्स आप बाद में मैं सिखाऊंगा तो इफेक्ट्स नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो ये आपने इससे पकड़ लिया, और ये जो आपका हाथ है, ठीक है, ये जो पोर्शन बन गया, ये पोर्शन को आपको इस तरह से देखिए, आपको इस तरह कप बना लेना है, कप की तरह ऐसे आपको इस तरह से कवर कर लेना है, ये जो पोर्शन है आप इस तरह से कवर हो जाएगा। ठीक है, ये बाद में जब आप इफेक्ट देंगे तो आप इसे खोलेंगे बजाएंगे, खोलेंगे बजाएंगे, ये बाद में आपको सिखाऊंगा इफेक्ट कैसे दिया था, लेकिन पकड़ना आपका इस तरह से आपको पकड़ना है। ठीक है, तो ये आपका इस तरह पकड़ना है, और जब आप इफेक्ट देंगे तो आपको इस तरह से यहाँ पे रख लेना है, और अगर आप इफेक्ट नहीं देना चाह रहे तो आप इस तरह से पकड़ लें, यहाँ पे आप इसको ऐसे इस तरह से रख के बजा सकते हैं, और इफेक्ट जब देना है तो ये इफेक्ट वाला मैं आपको अगले लेसन में बताऊंगा, आज मैं इफेक्ट नहीं बता रहा हूँ, आज सिर्फ आपको कैसे पकड़ना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप इस तरह से पकड़िएगा माउथ ऑर्गन, जब भी आप बजाइए आपको इस तरह से पकड़ना है, आप अच्छी तरह से देख लीजिए, आप इस तरह से आदत मत डालिएगा, शुरू में बहुत लोग इस तरह से बजाते हैं, वैसे जब मैं आपको लेसन देता हूँ तो मैं इस तरह से पकड़ के आपको लेसन देता हूँ ताकि आप मेरे मूवमेंट को देख सके, इसलिए मैं इस तरह से पकड़ता हूँ, लेकिन करेक्ट वे आप पकड़ना इस तरह से है। तो शुरुआत से आप इस हैबिट को डाल लीजिए, इस हैबिट को छोड़िएगा नहीं, ऐसे नहीं बजाना है, ऐसे इस हाथ से ऐसे नहीं बजाना है, हमेशा जब आप बजाइए तो इस तरह से ही आप पकड़ के देखिए, अच्छी तरह से देख लीजिए, यही हैबिट आपको शुरुआत में रखना है। ठीक है, तो आज बस इतना ही, आज आपको मैंने
पकड़ने का टैक्टिस सिखाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैक्टिस है। ये अगर आपने अच्छी तरह से सीख लिया तो बाद में आपको बहुत ही आराम होगा, बहुत ही आपको कंफर्टेबल होगा बजाने में। ठीक है, तो अगले लेसन में मैं आपको अब बजाना सिखाऊंगा। शुरू में आपको कौन सा सरगम बजाना है, मिडिल ऑक्टेव में कैसे बजाना है, हायर ऑक्टेव कैसे बजाना है, लोअर ऑक्टेव कैसे बजाना है, तीनों माउथोर्गन पे मैं आपको बता दूंगा, ट्रेमोलो में, क्रोमेटिक हारमोनिका में, और जो डायटोनिक टेन होल्स का है उसमें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अगले लेसन में मिलता हूँ। बाय बाय।